हेलो माँ पापा, आज मैं बहुत खुश हूँ। आज मैंने पहली बार बिल्कुल आप लोगों की उम्मीदों के मुताबिक काम किया है, एकदम परफेक्ट। इसलिए मैं आज अपने दिल की सारी बातें आप लोगों के सामने शेयर करना चाहता हूँ, जो बहुत वक्त से मैंने अपने दिल में दबा रखी थी। पापा, आप हर बर्थडे पर मेरे लिए महंगे महंगे गिफ्ट लाया करते थे, बहुत महंगे महंगे। इससे आपको लगता था कि इन महंगे गिफ्ट से मुझे खुशी मिलती होगी। नहीं पापा, आपको गलत लगता था। मुझे महंगे गिफ्ट से कभी कोई खुशी नहीं मिली। मुझे चाहिए था आपका साथ और आपका वक्त और कुछ नहीं। मां, मैंने हर चीज आपसे सीखी है, उठना बोलना चलना दौड़ना खेलना सब कुछ आपसे सीखा है। आप चाहती थी कि मैं हमेशा आगे रहूं, अच्छे मार्क्स भी लेकर आया करूं। मैं अच्छे मार्क्स भी लेकर आया करता था और हमेशा आगे भी रहता था। लेकिन एक बार मेरे मार्क्स कम आ गए। आपने मुझसे कहा कि मुझसे अच्छा तो डॉमी है, जो एक बार में समझ तो जाता है। नहीं मां, मैं जानवर नहीं, मैं बेटा हूं आपका। आपको याद होगा, हमने एक न्यू कार परचेज की थी। आपको लगा कि मैं उस पर स्क्रैच कर रहा हूं। वो स्क्रैच नहीं थे मां, बस एक बार आप देख तो लेते, आपको मालूम चलता कि मैं वहां पर क्या लिख रहा था। मैं उस पर लिखना चाह रहा था मां पापा और कुछ नहीं, कुछ ऐसी बातों के साथ में, कुछ ऐसी शिकायतों के साथ में मैं बड़ा हो गया और अपने बिजनेस को नई ऊंचाइयों पर ले जाने की सोचने लगा। कि तब एक बिजनेस डील मेरी वजह से कैंसिल हो गई और आप लोग इस बात से बहुत खफा थे। मैं आपसे कुछ कहना चाह रहा था। आपने तो मुझे कभी सुना ही नहीं। आपको हमेशा अपनी इज्जत की, अपने नाम की थी। मैंने आपसे एक बात कही थी, आप लोगों ने कहा कि हम उम्मीद करते हैं कि तू ये काम तो बिल्कुल ठीक ढंग से कर लेगा। तो लो मां पापा, मैंने काम बिल्कुल ठीक ढंग से कर दिया है, एकदम परफेक्ट। कोई शिकायत नहीं।